हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी टीचर्स किचन। आज की वीडियो मेरी मदर की कर्टेसी से बन रही है और उन्हीं के किचन में आज हम ये रेसिपी बना रहे हैं। आज हम निकालना सीखेंगे देसी घी। ये 1 किलो मलाई है जो कि उन्होंने मुख्तलिफ औकात में फ्रीज करके रखी हुई थी। इसको हम डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं। आपके पास ताज़ी मलाई हो तो आप उसको इस तरह बॉयल कर लें। बॉईल करने के बाद हम इसके बीच में डालेंगे 2 चम्मच दही के। दही डाल के आपने इसको हिला लेना है ज़रा। जो लोग तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका थैंक यू, और जो लोग नए हैं वेलकम टू माय चैनल, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें देखने के बाद। अच्छा, अब हमने इसमें डाले हैं 3 अदद लौंग, 1/4 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है मीठा सोडा। और इसके बाद अब हम डालने जा रहे हैं इसमें 1 लीमू का रस। बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है। 1 किलो मलाई से जो हम इसमें देसी घी निकालेंगे, ये तकरीबन हमें 45 मिनट्स लगे थे निकालने के लिए। अब आप ये देखेंगे ये बॉईल हो गया है और ऑलमोस्ट इसको 25 मिनट्स गुजर चुके थे। 25 मिनट्स के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। तो अब आपने इसको हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि अब ये अपने फाइनल स्टेजेस में है। तो आप ये देखें कि इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, ये घी छोड़ रहा है। मलाई आहिस्ता आहिस्ता ये सारा घी छोड़ देगी बाय मैक्स। अगर आपका घी ज़्यादा है तो फिर डबल टाइम लगेगा या थोड़ा घंटा डेढ़ घंटा लग जाएगा बाय मैक्स यू वर सेइंग। अब आप ये देखें कि कितना ज़बरदस्त सा घी निकल आया है। अच्छा, घी छानने से पहले उसको उतार के थोड़ी देर ठंडा कर लें, फिर उसको छान लें। 1 किलो घी में से 1/2 किलो हमारे पास देसी घी निकल आया है, ये देखें। अच्छा, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी थी। कोई नई चीज़ आपको आती हो तो हमें ज़रूर हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।